जाने क्या अब की बार भी सचिन पायलट को सरेंडर किया जगन गुज्जर ने। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान संवाद में। मैं हूँ आपके साथ अदिति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान में खौफ का दूसरा नाम है डकैत जगन गुज्जर। ये वही डकैत है जिसने 3 राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पिछले 20 दिनों से डकैत को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार गोलीबाजी की, पूरी जोर लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने डकैत जगन गुज्जर को पकड़ नहीं पाई। पुलिस की नाकामी के पीछे डकैत जगन गुज्जर ने सरेंडर कर दिया। जी हाँ, एक बार फिर से डकैत जगन गुज्जर ने पुलिस को सरेंडर कर दिया। डकैत जगन गुर्जर ने DSP परामल गुर्जर को सरेंडर किया, जिसके बाद धौलपुर SP ने सुपुर्द कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हेड कांस्टेबल को पिछली बार डकैत ने सरेंडर किया था, उसी हेड कांस्टेबल की भूमिका इस बार भी देखने को मिली है। हेड कांस्टेबल संतोष गुर्जर ने इस बार भी बड़ी भूमिका निभाई है। आपको जानकारी होगी कि धौलपुर के एक गाँव में 12 जून को 2 महिलाओं से मारपीट कर उन्हें निर्वस्त्र घुमाने के बाद चंबल के बिहड़ों में छुपे खूंखार डकैत जगन गुर्जर के बीच लगातार पुलिस के साथ संघर्ष चल रहा था। आतंक का पर्याय बने खूंखार डकैत जगन गुर्जर ने 9 साल पहले अपनी बेटी की शादी करते समय कसम खाई थी कि वे जुर्म का दुनिया छोड़ देंगे। इससे पहले वे 3 बार सरेंडर भी कर चुका है, लेकिन उसने हर बार वापस जुर्म की राह पकड़ ली। एक बार तो जगन गुर्जर ने उस वक्त के सांसद सचिन पायलट को सरेंडर किया था। 2009 में केमरी गांव में जगन्नाथ मेले में जगन गुर्जर ने सचिन पायलट को सरेंडर किया, जिसके बाद एक बार फिर से डकैत ने सरेंडर कर दिया। आज के इस डिजिटल दुनिया में हर कोई चाहता है YouTube पर छाना, हर कोई चाहता है YouTube पर अपनी बात बताना। लेकिन अगर आपके पास एंकर, स्टूडियो, एडिटिंग और दूसरे संसाधन नहीं है तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस दे सकता है आपको सभी वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें missheemediasolutions.com।